सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ये जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने बायो सेवर्ड लॉ पढ़ा। बायो सेवर्ड लॉ इस चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही बाकी टॉपिक चलते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग कूलम लॉ को पढ़ते हैं, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है 1/4 πε0 q1 q2/r², उसी तरीके से इस चैप्टर में बायो सेवर्ड लॉ है कि कोई एक वायर है, उसका एलिमेंटल लेंथ l होगा, उस l की वजह से dl की वजह से किसी पॉइंट p पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगा μ0 I/4π, और उधर क्या होगा dl sin θ/r². अब हमने उसकी हेल्प से फाइंड किया था कि किसी लंबे वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड हो, या कोई सर्कुलर लूप हो जिसमें करंट फ्लो हो उसके सेंटर पर, या कोई सर्कुलर लूप हो उसके एक्सिस पर, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड किया था। आज हमें पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, देखिए एक बात को समझिए कि मैंने जो वहाँ पढ़ाया था कूलम्स लॉ, F=1/4πε0 q1 q2/r², उसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा था एक रिलेशन आया था F=Q×E, एक रिलेशन आया था, है ना, ये पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद एक लॉ पढ़ा था हमने गॉस थ्योरम। क्या था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको और फोर्स है इसको फाइंड करने का अल्टरनेट मेथड था। क्या था वो, ये था कि लाइन इंटीग्रल था पूरा, सरफेस इंटीग्रल पूरा, और यहाँ था E.ds। E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ds इज द एरिया, सरफेस एरिया, और ये था q/ε0। ये किसके लिए कहा गया था, ये कहा गया था किसी क्लोज सरफेस के लिए। गॉस ने कहा था कि आप कोई क्लोज सरफेस ले लीजिए, उसके लिए ये लॉ वैलिड है। अब या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो की वजह से पता कर लीजिए, या तो इस मेथड से पता कर लीजिए, और इस मेथड से पता करना आसान था। क्यों, क्योंकि हम एक क्लोज सरफेस मानते थे और उसमें किसी एक वैल्यू को ज़ीरो कर देते थे, वहाँ पता कर लेते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है db = μ0I/4π (dl sin θ/r² या अगर हम इसको इसमें लिखें वेक्टर के फॉर्म में, तो ये था db μ0I/4π, यहाँ क्या था dl cross r/r³, ये था। तो ये जो एंगल था थीटा है, किसके बीच में था, डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाता है ना, एम्पियर ने कहा कि जैसे हम गॉस ने बताया था कि किसी क्लोज सरफेस को ले लें तो ये रिलेशन होता है, उसी तरीके से अगर कोई क्लोज सरफेस ले लें तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल यानी एलिमेंटल लेंथ, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका क्लोज इंटीग्रेशन = μ0I होगा। ये लॉ और ये गॉस थ्योरम दोनों क्या हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या गया, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ड लॉ। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि गॉस थ्योरम इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, कंपेरिजन के साथ पढ़ना। जैसे वहाँ पर गॉस ने लॉ दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे मत फाइंड कीजिए, बल्कि मेरे मेथड से फाइंड कर लो, कैसे, एक क्लोज इंटीग्रल सरफेस लो और उसमें ये रिलेशन लगा दो। तो वैसे ही एम्पियर्स ने कहा कि स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू μ0 times, उन्होंने कहा था 1/ε0 times, है ना, उन्होंने कहा μ0 times द टोटल करेंट आई पासिंग थ्रू द दिस क्लोज सर्फेस सर्किट। उन्होंने जो है चार्ज के बारे में कहा था 1/ε0 × charge q, यहाँ इन्होंने क्या किया μ0 क्या है, परमिबिलिटी, याद रखिए क्या है, परमिबिलिटी। क्लियर, अब हम इसको एप्लीकेशन देखेंगे।
अब हम दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है वो बताएंगे, और फिर टोरॉइड पढ़ाएंगे, और उसमें पता दिखाएंगे कि किस तरीके से इस रिलेशन के थ्रू वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लेफ्ट साइड में पूरा ये नोट कर लीजिए, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है सोलेनॉइड। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है, है ना, क्या देखिए है, ए सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। हमने क्या लिया, ये एक रॉड ले लिया और इस पर कॉपर वायर को इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में इसके ऊपर लपेट दिया, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर, तो होता क्या है कि इसकी वजह से यहाँ पर ये जो हेलिकल वायर लिपटा गया है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने एक बात कहा है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जब शो करना हो, मान लीजिए इस प्लेन के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, इस प्लेन के अंदर जा रहा, तो उसे कैसे शो करेंगे, इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, और अगर वो इस प्लेन के बाहर निकल के आ रहा है तो क्या करेंगे, डॉट कर देंगे। इसका एग्जांपल मैंने कैसे दिया था, कोई एरो है, वो एरो क्या है, वो मान लो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, एरो का सिर्फ पॉइंट, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर से इधर आ रहा है तो मुझे क्या दिख रहा है, उसका पॉइंट, और अगर कोई एरो यानी तीर अगर मेरे से दूर जा रहा है तो मुझे पीछे का उसका कुछ पोर्शन दिख रहा होगा, तो वो क्रॉस होता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो मुझे पीछे का पोर्शन दिख रहा है क्रॉस। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सोलेनॉइड बनाया गया, ये सोलेनॉइड बनाया गया, इस सोलेनॉइड में देखा जाए तो यहाँ पर ये जो वायर है, वायर देखिए इस तरीके से लपेटा गया है, तो वायर में हम करंट का डायरेक्शन भी दिख रहा होगा हमें, ये जो करंट का डायरेक्शन है इधर से आ रहा है और ऊपर क्या है, अंदर जा रहा। क्लियर बात दिख रही है एकदम। तो हम अगर इस वायर को हटा दें, इस वायर को हटा दें और उसको ऐसे शो करें, ऐसे शो करें, तो क्या देखेगा, यहाँ से क्या हुआ, आता हुआ दिख रहा है और यहाँ जाता हुआ, तो नीचे क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, और ऊपर क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे, आप क्या करिए, इसको ये जो सोलेनॉइड है, जैसे वायर ऐसे लपेटा गया नीचे से ऊपर, वैसे आपके हाथ की उंगलियाँ भी क्या है, नीचे से ऊपर है, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे ये पकड़ लिया, ग्रिपिंग देखिए, ये जो वायर की कंडीशन है, क्या मेरी फिंगर की कंडीशन वही है, सेम है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वायर। अब मेरा जो थंब होगा वो इसके नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ये देखिए ये है नॉर्थ पोल, अब देखें यहाँ से देखिए नॉर्थ पोल बना, थंब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। क्लियर, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसका जस्ट अपोजिट बनाया है, क्या बनाया भाई, ये जो लेफ्ट वाला डायग्राम है इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट में क्या है, यहाँ नीचे से वायर अंदर से बाहर आ रहा है तो पॉइंट होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ क्रॉस बनाया है, दिख रहा है अपोजिट हो गया। तो अगर ये चीज़ अपोजिट है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है और उसमें क्या है, नॉर्थ पोल लेफ्ट में, हाँ इधर क्या हो गया, इधर हो गया साउथ और इधर क्या हो गया नॉर्थ। तो बात समझ में आ गई, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि जो सोलेनॉइड हमने बनाया, वो सोलेनॉइड क्या होता है, वो एक खोखला होता है, हॉलो होता है। तो सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड पर और सोलेनॉइड के बाहर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें जानना है, ठीक है, ये हमें जानना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक देखिए सोलेनॉइड बना लिया। अब ये आप कहेंगे सर ये सोलेनॉइड तो लग नहीं रहा, अब देखो तो वायर नहीं बनाया, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बनाया, भाई यहाँ क्या था क्रॉस था ना, देखो नीचे सारे क्रॉस बना दिए, यहाँ क्या था डॉट था तो ऊपर सारे डॉट बना दिए। जाहिर से बात है इसमें क्या होगा, वायर ऊपर से ऐसे आकर के ऐसे लपेट रहा होगा, ऐसे लपेट रहा होगा, ऐसे लपेट रहा होगा, ऐसे लपेट रहा होगा,
ठीक है। और जब ऐसे लपेट रहा है इसका मतलब ये हम ऐसे ग्रिप पकड़ेंगे और थंब इधर होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा। देखिए इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, तो सोलेनोइड को रिप्रेजेंट कर रहा। अब आ जाते हैं इस पर, समझते हैं कि हम इस पर अंदर बाहर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करना। तो मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ लेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, क्लोज लूप लेना होता है, जैसे गॉस थ्योरम में लेते थे क्लोज लूप। तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप अपने हिसाब से कंसिडर कर लिया, कौन सा लिया, ए बी सी डी। तो क्या लिखेंगे, एज्यूम ए रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप ए बी सी डी, ठीक है। इसके लिए अगर एम्पियर लॉ लगाएंगे तो क्या था फॉर्मूला भाई, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो है बेस में अप्लाई हो गया। अब एक बात बताइए, ये जो बी डॉट डी एल है ये तो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, भाई ये जो सर्फ वो लूप बना है वो चार लाइनों से मिलकर बना है, तो क्या मैं चारों के लिए बी डॉट डी एल अलग लिख दूँ, लिख सकता हूँ। जैसे देखो मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू एक इंटीग्रल बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ भाई, ए से बी, ए से बी, फिर कहाँ से जाना है, बी से सी, लाइन इंटीग्रल बी से सी बी डॉट डी एल, सब वेक्टर हैं, प्लस क्या होगा सी डॉट डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल डी डॉट डी से ए बी डॉट डी एल। अब ये देखिए यहाँ क्या बना था, सर्किल, यानी ये पूरे सरफेस के लिए था, लूप के लिए था, उस लूप का मैंने चार पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब इन चारों को अलग अलग पता करो कैसे, देखो सब ध्यान देना। पहले बी सी वाला लेते हैं, ये वाला, तो मैं इसके लिख सकता हूँ बी डॉट डी एल बी सी, क्या बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट होता है बी डी एल कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, सिंपल। ये जो थीटा होता है किसके किसके बीच में होता है, बी और डी एल के बीच में। अब आ जाओ ज़रा, बी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और किसके बीच में बात हो रही है, बी सी के बारे में, तो बी सी कहाँ है, ये रहा। तो एक लाइन बी ऐसे गया और बी सी ऐसे गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, वेरी गुड। अगर ये वाली लाइन बी सी इस बी से 90 बना रही है तो ए डी कितना बना रही है, वो भी 90, वेरी गुड। तो क्या मैं यहीं पर एकदम डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, डी ए बी डॉट डी एल, आप चाहो तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हो, उसको भी जीरो कर देना, सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें देखते हैं सी डी वाले को ले लेते हैं, सी डी वाले को पैरेलल है लेकिन उसमें एक चीज़ जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर है, नहीं है, वो तो अंदर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सी डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो क्योंकि बी की वैल्यू ज़ीरो है। क्या तीन टर्म यहाँ ज़ीरो दिख गए आपको, तीन लाइन पर बी डॉट डी एल की वैल्यू, बी सी पर, डी ए पर और सी डी पर, लेकिन ए बी पर ज़ीरो नहीं होगा। तो यानी इनमें से तीन टर्म ज़ीरो हो गए, तो यानी सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी वाला बचा सिर्फ ना, ए बचा सिर्फ, क्या हो जाएगा, ए ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल ए बी, चलो इसको आगे लिख देते हैं इंटीग्रल ए बी बी डी एल कॉस थीटा। अब बताइए इसके बीच में एंगल कितना है, बी और ए बी के बीच में ज़ीरो, मैं भी इधर जा रहा हूँ, मेरा पेन भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना ज़ीरो, अगर वो अपोजिट आ रहा होता तो 180, ये वाला,
हाँ ये वाला 180 होता। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे बी डी एल कॉस 0, ए से बी कॉस 0 की वैल्यू 1, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा एल, यानी ये हो गया बी एल, यानी हमारे पास आ गया लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल, क्या आ गया बी एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी, साइड ए बी का जो है लेंथ है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ वायर बहुत सारे हैं ना, यहाँ से वायर निकल रहा है, नीचे जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा, तो क्या इस ए बी लेंथ में बहुत सारे लूप बने होंगे ऐसे करके, जैसे ये है ऐसे 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 बहुत सारे लिपटे हैं, बहुत सारे लूप होंगे, यानी हम अगर मैं कह दूँ कि एन इफ एन इज द नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर क्या आ जाएगा टोटल करंट क्या आ सकता है, टोटल करंट आ जाएगा एन एल आई, एन एल आई, ये जो करंट की बात हो रही है ये करंट तो एक वायर में हुआ, ऐसे एन नंबर ऑफ वायर हो गए और एल पर क्या एन एल हो गए, तो यानी ये जो फॉर्मूला बना वो क्या बन जाएगा बी डॉट डी एल की जगह क्या लिख देंगे बी एल, तो बी एल इज इक्वल टू एन एल आई, और क्या आ गया म्यू नॉट एन एल आई, यहाँ से एल से एल कैंसिल, यहाँ बी की वैल्यू कितना आ गई म्यू नॉट एन आई, हमने क्या किया यहाँ पर एल काट दिया आई काट दिया एल आई आई काट दो म्यू नॉट एन आई, यानी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई, वेयर आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड, एन इज़ द नंबर ऑफ वायर या लूप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो याद करेंगे इसको, याद रखना है, होना हो सकता है क्योंकि एल से डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सोलेनोइड की बात, और मैंने डायरेक्शन बता दिया कि सोलेनोइड में जिधर से वायर नीचे से ऊपर जा रहा हो उधर ही अपनी फिंगर लगा लो और फिर थंब को देखो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप।